अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज 31 दिसंबर सूर्य गुरूब हो चुका है और जो साल है वो ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा होने वाला है। तो इस टाइम 7:30 का टाइम है, तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ, साल का इख्तिताम हो चुका है। सुबह से मैं सोच रही थी कि आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँ, लेकिन सुबह का मेरा ना टाइम नहीं लगा, तो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो सब लोग जो है वो 31 दिसंबर को बैठ के हम लोग ज़रूर ये बात करते हैं कि हमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया, इस साल में क्या क्या जो है गुड न्यूज़ हमें इस साल में मिली, क्या क्या हम लोगों को इस साल में खोना पड़ा। और कुछ ऐसी बातें होती हैं, तल्ख यादें होती हैं, जिनको बुलाने से भी हम नहीं बुला सकते। तो मैं आपके साथ अपने इस साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे साथ इस साल में क्या क्या मैंने खोया, क्या क्या मैंने इस साल में पाया, मुझे कौन सी अच्छी चीज़ें जो है ना वो इस साल में मिली हैं, और क्या क्या जो बैड लक मेरे साथ हुई, और क्या ऐसी बातें जिनको बंदा ना नहीं भूल नहीं सकता। सबसे पहले अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करते हैं, उसके बाद उन बातों का जिक्र करेंगे जिनको हमने खोया, और एंड पे हम लोग एक रेजोल्यूशन बनाएंगे न्यू ईयर के लिए, कि हर बंदा बनाता है, मैंने भी एक सोचा है, और उस रेजोल्यूशन का आपके साथ जिक्र करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आने वाला साल आप सबके लिए मुबारक करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जी, सबसे पहले अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करते हैं। इस साल 2021 में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक खुशी की खबर थी, जो सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ थी, वो ये थी कि मेरे भाई की शादी हो गई। तो ये मेरे लिए एक सबसे अच्छी और गुड पॉइंट था कि मेरे भाई की शादी हो गई, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं फूफा बन जाऊंगी, जो कि मेरे लिए एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के लिए काफ़ी सालों से मेरे कान तरस गए थे। अल्लाह पाक मेरे भाई को और मेरी भाभी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जो है ना मेरे अबू की जो नस्ल बढ़ी है, अल्लाह पाक उसको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। उसके बाद एक और गुड न्यूज़ थी मेरे लिए, वो थी कि मेरी ननद की और देवर की शादी हो गई थी, और अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती और खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसके बाद एक और गुड न्यूज़ ये थी कि थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। अल्लाह पाक सबको अच्छी जॉब, अच्छा रिज़्क़ का वसीला अता फरमाए, और ये मेरे लिए जो थी ना वो गुड गुड वाले अच्छे अच्छे पॉइंट थे। और इसके अलावा एक और जो मेरे लिए अच्छी न्यूज़ थी इस साल में 2021 में, कि मेरा चैनल जो है ना वो फरवरी में मोनेटाइज हुआ था, और ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि 2021 में मेरा बेटा स्कूल गया था, हसन अली, कहाँ पे है ये देखें, ये मेरा बेटा हसन अली शहजादा, ये 2021 में 2 दिन के लिए स्कूल गया था, उसके बाद नहीं गया क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब बात करते हैं जो कि मेरे लिए अच्छी बातें नहीं थी। सबसे जो मैंने बहुत ज़्यादा क्रूशल पीरियड गुजारा था वो तब था जब मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, और कुछ टाइम एक ऐसा भी आया था कि जब हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट मैं थी, डिसहार्ट थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, और उस वक़्त में जो माएँ होती हैं ना, उन्हें अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। तो उस वक़्त में भी जब मैंने अम्मी अपनी को कॉल करके बताई कि अम्मी जान कुछ भी नहीं है और क्या करूं, तो तब मेरी अम्मी आई और फिर सब कुछ बहुत अच्छे से वो करके गई। तो अल्लाह पाक सबकी माओं को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो माएँ होती हैं ना, वो अपनी बेटियों के लिए बहुत बड़ी हेल्पर होती हैं। तो उसके अलावा जो मेरी छोटी सिस्टर है, अल्लाह पाक उसके नसीब खोले, हमारे लिए तो वो भी किसी वसीले से काम ना थी। उसके अलावा जो दूसरी बैड लक थी वो ये थी कि जो मेरे हस्बैंड थे उनके मामू की डेथ होगी, वो जमा साल थे और उनके मामू की डेथ हुई थी, ये भी एक सदमा था हमारे लिए, एक सानिया था। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह पाक सबके वालदैन को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए, हमारे लिए डिसहार्टेड था। और उसके अलावा एक और बात ये हुई थी कि इस साल में जो है ना वो आपको पता है कि मेरी टांग खराब थी, और वो दिन मैंने कैसे गुजारे हैं वो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। ये भी इस साल में मेरे साथ ना बहुत जो है ना वो बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, और पिछले तकरीबन 1 मंथ इस चीज़ को हो गया और मैं अभी तक रिकवर नहीं हुई, अभी तक वो जो है ना वो पीरियड चल रहा है, अभी तक मेरी टांग के ऊपर ज़ख्म है और वो अभी तक चल रहा है।
और इसके अलावा एक और ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई है कि इस साल भी मेरा घर नहीं बन पाया। और ये जो बात है कि मेरा घर नहीं बन पाया, ये मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। और इसी परेशानी की वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, और जब मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे ना पैनिक अटैक आते हैं, जो कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ ये सोच के कि अभी तक मेरे पास मेरा घर नहीं है यार। और अपना घर होना कितनी बड़ी नेमत है ये वो लोग जानते हैं कि जो मेरी तरह रह रहे हैं और जिनके पास अपने घर नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इस साल में अल्लाह पाक मुझे मेरा घर दे दे। और एक और आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि इस साल मेरा जो ना चैनल वो जो है वो चल जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये जो न्यू ईयर की वीडियो होगी उसमें आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी और अपनी जो रेजोल्यूशन है। एक और रेजोल्यूशन ये है कि इंशाल्लाह ताला इस साल में नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ का पाबंद बनना है। मुझे लगता है कि अगर हम अल्लाह पाक से मांगेंगे तो वो हमें अता करेगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई बंदा है ही नहीं जो हमें अता कर सके। तो ये जी ट्रेजिडीज़ थी और जो है ना खुशखबरियाँ थी जो इस साल में हमें मिली हैं। और हसन और जैनब की तरफ देखें जी, बहुत ये तो सारा दिन ही इनके तो ना जो है वो सीन चक्कर ही नहीं ख़त्म होते। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये जी हसन अली के खिलौने आप ये देख लें, ये मेरे हसन अली के खिलौने हैं, इनके साथ खेलता है, ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक आने वाला साल सबके लिए खुशियाँ लेके आए और जो जो भी आपकी दिल की मुरादें अल्लाह पाक को पूरी करे। और स्पेशली आप सबके वालदैन के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी के साथ आज का व्लॉग जो है ना वो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।